नमस्कार, आप देख रहे हैं धार्मिक विश्वास और आस्थाओं से जुड़ा हुआ चैनल डिवाइन फेथ। डिवाइन फेथ पर आपका स्वागत है। हनुमान जी को कलयुग का जागृत देवता कहा जाता है और ये भी माना जाता है कि हनुमान जी अपने भक्तों पर जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले व्यक्ति पर हनुमान जी की कृपा सदैव बनी रहती है और उसके जीवन में कभी समस्याएं नहीं आती। हनुमान चालीसा का संबंध सिर्फ आपकी आस्था और धर्म से नहीं है, बल्कि आपकी शारीरिक और मानसिक समस्याओं को समाप्त करने में भी यह बेहद प्रभावशाली है। हनुमान जी के बारे में यह भी कहा जाता है कि जहाँ कहीं भी राम कथा होती है, हनुमान जी वहाँ किसी न किसी रूप में ज़रूर मौजूद रहते हैं। हनुमान चालीसा की रचना तुलसीदास जी ने हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए की थी। हनुमान चालीसा को सबसे ज़्यादा बार पढ़ी जाने वाली पुस्तक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार मुगल सम्राट अकबर ने गोस्वामी तुलसीदास जी को अपने दरबार में बुलाया। वो अपने तारीफ में कुछ लिखवाना चाहते थे, लेकिन तुलसीदास जी ने उनसे मना कर दिया, तो अकबर ने उन्हें जेल में कैद कर दिया। कारावास के अंदर ही तुलसीदास जी ने अवधि में हनुमान चालीसा लिखी। ऐसा कहा जाता है कि उसके बाद कारावास के आसपास बहुत सारे बंदर आ गए और उन्होंने बहुत नुकसान किया। तब मंत्रियों की बात मानकर अकबर ने तुलसीदास जी को मुक्त कर दिया। हनुमान चालीसा में 40 चौपाइयाँ हैं, इसलिए इसे चालीसा कहा गया है। हनुमान चालीसा में कहा गया है कि हनुमान जी अष्ट सिद्धि और नौ नीति के दाता हैं। आर्थिक समस्या से ग्रस्त होने पर हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करने से समस्या दूर हो जाती है। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने से व्यक्ति के अंदर सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, व्यक्ति का मनोबल बढ़ता है और उसे किसी भी तरह का भय नहीं रहता। उसके आसपास भूत पिशाच और दूसरी नकारात्मक शक्तियां भी नहीं आती हैं। मानसिक अशांति के लिए हनुमान चालीसा का पाठ बहुत ही उपयोगी होता है। इससे मानसिक शांति मिलती है। जो लोग अक्सर बीमार रहते हैं, उन्हें नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, क्योंकि हनुमान चालीसा में लिखा गया है, नासय रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। हनुमान जी स्वयं बहुत विद्यावान और गुणी थे, इसलिए छात्रों को हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे स्मरण शक्ति भी बढ़ती है और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता अवश्य मिलती है। अगर आप शत्रुओं से परेशान हो गए हों और कोई रास्ता दिखाई ना दे, तो हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। भक्ति और एकाग्रता के साथ किए गए पाठ से शत्रुओं पर विजय प्राप्ति होती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में जय बजरंगबली लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।